नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर के मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिए, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचेंगे। जहां पर पहली बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बनाया था मोदी उसे बर्बाद कर चुके हैं। बॉलीवुड के एक्टर ने सुनाई है पीएम मोदी को खरी खोटी, किया है डिग्री का जिक्र। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। इन बिगड़ते हालातों पर बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान यानी कि KRK ने भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त की है। KRK ने इस मुश्किल घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की अपील की है। KRK ने कहा है कि बेचारे मनमोहन सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी खर्च करके जो देश बनाया था मोदी जी ने सिर्फ 7 साल में ही उसको बर्बाद कर दिया है। कसम से दिल रोता है ये सब कुछ देख करके। इतना ही नहीं, कमाल खान ने भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का सुझाव देते हुए एक अन्य ट्वीट किया है और कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके पास ना तो असली डिग्री है और जो ना अंग्रेजी बोलना जानता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जिसके पास फाइनेंस में मास्टर डिग्री ना हो और 10 साल का अनुभव ना हो। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से KRK ने घेरा है प्रधानमंत्री मोदी को और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को किया है याद और कहा है कि जो कुछ भी मनमोहन सिंह जी ने बनवाया था वो सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं मोदी। आप लोग सहमत हैं या नहीं जरूर बता सकते हो, अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। देश भर में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी हो रही है और सोशल मीडिया पर लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, ट्विटर पर हैशटैग मोदी पनौती है यहां पर ट्रेंड हुआ है। आप लोगों को बताते चलें कुछ यूजर की प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आई हैं, जहां पर दोस्तों जानते हैं, एक यूजर ने यहां पर ट्वीट किया हैशटैग मोदी पनौती है, इंडिया को BJP और RSS से बचाओ। आप लोगों को एक तस्वीर भी सामने दिखाई पड़ रही है जिसमें लिखा है, जो रात के अंधेरे में पाकिस्तान जाकर के लाशों की गिनती कर लेते थे आज उन्हें ही अपने देश की लाशों की गिनती करने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि मोदी जी यहां पर सबसे फेल प्रधानमंत्री हैं इंडिया के इतिहास में, और एक तस्वीर में कहा है कि शमशान में भी रैली कर लो साहेब, वहां भी आजकल भीड़ ज्यादा है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहां पर इस तस्वीर को साझा किया है जिसमें लिखा है, एशिया का सबसे अमीर आदमी बना अंबानी और एशिया का सबसे गरीब देश बना भारत, ये संयोग नहीं है प्रयोग है। तो वहीं एक अन्य यूजर ने कहा है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मोदी पनौती है। अब आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि अब मोदी पनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही ट्रेंड हो रहा है। आप लोग भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। सिद्धू के तेवर तीखे, एकरसी कानूनों के विरोध में घर पर फहराया है काला झंडा, बोले लड़ाई लगातार जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की राजनीति गर्माने लगी है। आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने घर पर काला झंडा फहराया है। नवजोत सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ छत पर काला झंडा लहरा रहे हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिद्धू ने वीडियो में कहा है कि पिछले 20 से 25 साल से घट रही आमदनी, बढ़ रहे कर्ज के कारण किसान लगातार परेशान हैं और पंजाब के किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। पंजाब आज एक साथ तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है। ये तीनों ही कानून किसान, मजदूर और व्यापारी के पेट पर लात मारने वाले हैं। नवजोत सिद्धू ने आगे कहा है कि अगर इन तीनों ही कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो पंजाब एक बार फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। सिद्धू ने कहा है कि मेरे घर पर अब काला झंडा लगा दिया गया है, ये नए कानूनों के खिलाफ है। जब तक तीनों ही कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये काला झंडा उतरेगा नहीं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 200 से अधिक विदेशी कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार कृषि कानून रद्द करे ताकि किसान कोरोना से बच सके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कनाडा, अमेरिका एवं अन्य जगहों के 200 से भी अधिक शिक्षाविदों, ट्रेड यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं और महामारी पर विशेषज्ञों की चेतावनी को नजरअंदाज कर अपने चुनावी एजेंडा को प्राथमिकता देने के लिए
केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। इन हस्ताक्षरकर्ताओं ने मांग की है कि पिछले साल सितंबर महीने में पारित किए गए विवादित कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि आंदोलनकारी किसान अपने घरों को लौट सकें और खुद को कोरोना वायरस से बचा सकें। देख सकते हैं दोस्तों, देश दुनिया से लगातार यही मांग उठ रही है कि तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तत्काल यहां पर मोदी सरकार रद्द करे, लेकिन मोदी सरकार है कि अपनी जिद के आगे यहां पर किसानों की जान जोखिम में डाल रही है, वो झुकने को तैयार नहीं हो रही है अन्नदाताओं के सामने। अब ये यहां पर देख सकते हैं कि 200 से भी अधिक विदेशी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार को तुरंत कृषि कानून रद्द करने चाहिए। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कोविड टूलकिट का मामला, ट्विटर कार्यालय में छापेमारी को लेकर के राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा सत्य डरता नहीं है। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कथित कोविड टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के कार्यालयों पर छापेमारी के बाद कहा है कि सत्य डरता नहीं है। उन्होंने हैशटैग टूलकिट के साथ ट्वीट किया, सत्य डरता नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे जैसा भी था, मोदी से ज्यादा शरीफ तो था ही। ट्विटर ने भले ही उनका अकाउंट बंद कर दिया हो, लेकिन अगले ने उसके ऑफिस पर कभी भी छापे नहीं मरवाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला ने इस केंद्र की मोदी सरकार को रेड राज यहां पर बताया है। देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर के हमलावर है मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, एलोपैथी बयान विवाद, ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट रामदेव हुआ है ट्रेंड। कांग्रेसी दिग्विजय बोले हैं, रामदेव बालकृष्ण की जोड़ी ठग थी, ठग है और ठग ही रहेगी। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर के दिए गए विवादित बयान की वजह से ट्विटर पर उनको गिरफ्तार करने की मांग लगातार उठ रही है। हैशटैग अरेस्ट रामदेव यहां पर ट्विटर पर ट्रेंड किया है। कई सोशल मीडिया यूजर सहित विपक्षी दलों के कई नेता भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो रामदेव को ठग बता दिया है। दिग्विजय सिंह ने यहां पर ट्वीट करते हुए कहा है कि रामदेव और बालकृष्ण की जोड़ी ठग थी, ठग है और ठग ही रहेगी। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी समर्थक रामदेव लगातार डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और यहां पर कोरोना मरीजों का मजाक उड़ाते हुए अपमान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है इस मोदी सरकार में, जिसको लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है अरेस्ट किया जाए रामदेव को। अगर आप लोग भी इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा हैशटैग अरेस्ट रामदेव। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जेल जाना हुआ तय, गवर्नर पद से हटने के बाद तुरंत जगदीप धनखड़ को भेजा जाएगा जेल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, नारद स्टिंग ऑपरेशन केस को लेकर के पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को यहां पर धमकी देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के गवर्नर पद से हटते ही उन्हें जेल भेज देगी। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि वह गवर्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में जहां जहां पर भी हिंसा हुई है वहां के लोग गवर्नर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा है कि एक बार उनके पद से हटने के बाद हम लोगों की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि गवर्नर जगदीप धनखड़ को उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा जहां पर नारद स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है इस समय। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा है कि जिस तरह का माहौल देश में बन चुका है उसके बाद साल 2024 के चुनाव में बीजेपी के कई नेता जेल के अंदर होंगे। भारत के लोग अब दूसरी आजादी का लगातार इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही जेल के अंदर होंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, राकेश टिकैत ने कहा 16 मई को दर्ज किए गए सारे मामले एक माह के भीतर वापस लेगी सरकार। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत ने बताया है कि एक मीटिंग हुई है प्रशासन के साथ, जिसमें मीटिंग में आईजी, कमिश्नर और जिला अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सरकार से भी बातचीत की होगी। किसान नेता ने कहा है कि 16 मई और उसके आसपास के जो भी मामले हैं उन्हें तत्काल यहां पर खत्म किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये यहां पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।